कन्यादान में नवरात्रि के अवसर पर जहां एक ओर पूरे नगर में दर्जनों स्थान पर माता की झांकी लगाकर विशेष पूजन अर्चना के साथ भक्त 9 दिनों तक माता की उपासना करके पूरे वातावरण को धर्ममय बना देते हैं, ऐसे में नगर में पहली बार गुजराती परंपरा के अनुसार नवरात्रि पर्व मनाया गया, जिसमें नगर की प्रमुख निजी शिक्षण संस्थान आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल में आयोजित गरबा डांडिया के कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों तथा स्कूल स्टाफ ने शामिल होकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। विद्यालय की प्राचार्य तानिया शर्मा ने बताया कि महानगरों की तर्ज पर हमने भी विद्यालय में इस वर्ष पहली बार गरबा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए पूरी शाम को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके नगर के TI तिमेश चारी द्वारा किया गया तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार जिसिया BMO मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा उनके अभिभावक भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी कार्यक्रम के बाद गरबा नृत्य में शामिल होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर गत वर्ष में आयोजित बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली स्कूल की छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया तथा विद्यालय के गतिविधियों से सभी को अवगत कराया गया। रहे हैं अपने स्कूल में प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसा कि हमें पता लगा कि पहले कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है और बड़े शहरों में होता है, तो अब कन्यादाना भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट बनने ही वाला है, तो क्यों ना पहल हम ही करें, हमारी तरफ से शुरुआत हो। और आज हमारे पास पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा वो रिजल्ट रहा है, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बच्चों ने भी खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया है और हम कोशिश करते हैं, भविष्य में आशा करते हैं कि इससे भी बड़ा उपलक्ष्य आप लोगों के लिए कर पाए और बच्चों के लिए कर पाए। थैंक यू वेरी मच। कन्यादान से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।